पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 19 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर पहुंचेंगे। अब तक तैयार कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को मिदनापुर में किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 20 दिसंबर को गृह मंत्री बोलपुर में शांति निकेतन भी जाएंगे। बिहार में फिलहाल कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार ने खुद सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा तब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। बिहार में शिक्षक बहाली मामले में कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने 23 नवंबर 2019 के पहले एसटीईटी की परीक्षा पास की होगी वही उम्मीदवार ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त सरकार से कहा कि बहाली की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। कोर्ट के इस फैसले से अब राज्य में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 2021 को लेकर नया बदलाव करते हुए एक बार फिर से नया शेड्यूल सोमवार को जारी किया है। इससे पहले जारी शेड्यूल के अनुसार इंटर की वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी के बीच होना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन नए शेड्यूल के अनुसार बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा अब 1 फरवरी से शुरू होगी। अरवल में यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई और पूरी बस जलकर राख हो गई। घटना कलेर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 139 की है। वहीं दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यात्रियों के मुताबिक बस पटना से अंबिकापुर जा रही थी, इसी दौरान कलेर के पास बस से धुआं निकलने लगी और बुलाकी बीघा मोड़ के पास बस में आग लगी। वहीं बस रोककर बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया और यात्री अपने जान बचाने के चक्कर में बस में ही सामान छोड़कर नीचे उतर गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं इस घटना में सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित। शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं देने लगा गाड़ी में, हम लोग हल्ला करने लगे कि धुआं दे रहा। गाड़ी रुका तो पूरा गाड़ी धुआं से भर गया। लोग किसी तरह उतर के कूद काट के किसी तरह भागे, आदमी लोग तो बच गए लेकिन सब सामान लोग का जल गया। गया डीएम ने जयप्रकाश नारायण अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 डॉक्टर और 12 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। वहीं डीएम ने अस्पताल के कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मरीजों से संबंधित दूसरे व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। माननीय सचिव महोदय के देश के आलोक में पूरे बिहार औचक निरीक्षण का कार्य कर रहा है। सब डिविजन हॉस्पिटल में संबंधित SDO द्वारा और जिला अस्पताल में नेरो और SDO द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले ये देखना है कि सभी डॉक्टर और स्टाफ हैं और उसमें आज पाया गया करीब 3 डॉक्टर एबसेंट पाए गए हैं और 12 स्टाफ एबसेंट पाए गए हैं, जिनकी विरुद्ध कार्रवाई किया गया। साथ ही में साफ सफाई को लेकर, मरीजों की व्यवस्था को लेकर, ऑपरेशन थिएटर को लेकर, लेबर रूम को लेकर, वार्ड्स को लेकर आज देखा गया है। यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था है, दीदी की रसोई करके जो ट्रेनिंग उनको मिलता है उसको भी आज देखा गया। सहरसा में बनने वाले सदर अस्पताल का सिविल सर्जन अवधेश कुमार ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर कौशल कुमार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और मैनेजर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 27 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में 300 बेड होंगे, साथ ही एक छत के नीचे मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आज स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि जिले को मिली है और 27 करोड़ रुपये से आज एक नए भवन का निर्माण हॉस्पिटल कैंपस में किया जाएगा, जिसमें एमरजेंसी OPD, मदर चाइल्ड केयर विंग, सारी चीज़ सुविधा रहेंगी और धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी और भी बिल्डिंग आने वाला है। मुझे लगता है ये बिल्डिंग 2 साल में बनके तैयार हो जाएगा और इसके बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधा में और बेहतर सुविधा हम लोगों को दे पाएंगे। जमुई में झाझा पुलिस और STF चीता 20 ने संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। गुप्त सूचना मिलने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र मणिकथान के पहाड़ी क्षेत्रों में छापेमारी करने के बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने बताया कि 20 किलो अमोनिया नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। कैमूर में कुदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 12 किलो गांजा, एक देशी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं SP ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जड़ी बूटी की दुकान की आड़ में गांजा की तस्करी हो रही, जिसके बाद पुसौली गाँव में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। कल गुप्त सूचना मिली थी एक जड़ी बूटी के दुकान के आड़ में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है। कुदरा थाना अंतर्गत पुरसौली बाजार है। इस सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष को भेजा गया, एक टीम बनाकर छापामारी के क्रम में बब्बन शाह के घर से लगभग 10 केजी गांजा
बरामद हुआ वो पैक करते हुए पुड़िया में और लिफाफे में पैक करके बेचने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर धूम मचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के इजा फार्म हाउस की सब्जियां रांची के बाजारों में धूम मचा रही है। धोनी के फार्म हाउस में सब्जियां पूरी तरह से गोबर और वर्मी कंपोस्ट की मदद से उपजाई गई है। इतना ही नहीं, इन सब्जियों की कीमत भी कम है। वहीं कम कीमत होने और गुणवत्ता में अच्छी होने के चलते धोनी के फार्म हाउस की सब्जियां की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है।